दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन का लगा जनता दरबार, विभिन्न प्रखंड क्षेत्र से पहुंचे फरियादी। दरभंगा नगर निगम के पार्षदों में छाई खुशी, मिठाइयां बांटकर खुशी का किया इजहार। जिला सांख्यिकी कार्यालय दरभंगा द्वारा एक दिवसीय प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कैदराबाद के कई दुकानों से भारी मात्रा में ब्लू हेवन का नकली नेल पॉलिश किया गया बरामद, दो लोगों को लिया गया हिरासत में। केवटी विधायक मुरारी मोहन झा ने पक्की सड़क का किया उद्घाटन। स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं कर्मियों की स्वास्थ्य के जांच के लिए शिविर का किया गया आयोजन। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन का जिला स्तरीय कार्यशाला हुआ संपन्न। 5 अक्टूबर को जिलाधिकारी के समक्ष विभिन्न मांगों को लेकर किया जाएगा प्रदर्शन। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन का जनता दरबार लगाया गया, जिसमें दरभंगा जिले के विभिन्न प्रखंड क्षेत्र से फरियादी अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे। वहीं दरभंगा जिलाधिकारी के द्वारा आए हुए तमाम फरियादियों की बारी बारी से उनकी शिकायतों को सुना गया और ऑन द स्पॉट समाधान हेतु उचित कार्रवाई का निर्देश भी दिया गया। अच्छा, क्या दिक्कत है? मेरे बाबूजी के नाम से राशन कार्ड तक भी कोड़सालगंज नहीं मिला अभी तक, जब से हम भी वृद्ध हो आज तक नहीं। मुखिया और आवास सहायक जो है मिली भर कागजे पर हम सभा करके 20-20 बीघा वाला जमीन को इंदिरा आवास हमको नहीं मिला है, आज तक देवे नहीं किया। कहता है अब हो जाएगा कल हो, सबको अभी भी पेमेंट हुआ हमको नहीं। लिए डीएम साहब है, दरखास्त दिए हैं, आवेदन दिए हुए इंदिरा आवास जी, दिए हुए हैं। पिताजी अन्य महिला से नाजायज संबंध हो चुका है, जिसके कारण से लगभग 6-7 बरी से इनका खाना खर्चा बंद कर दिए हैं। जब भी दवा या खाना खर्चा के बारे में कहते हैं तो मानसिक और शारीरिक रूप से इनको प्रताड़ित किया जाता है। कहाँ आपके पिता का कहाँ जॉब है? ये जाले ब्लॉक में, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही जाले ब्लॉक है, उसमें मिडिल स्कूल मलिकपुर में पोस्टेड है प्रधानाध्यापक के पद। क्या नाम है आपके पिता का? जी राजकुमार महतो। आपके माता जी का? रेणु देवी। तो कब से खाना खर्चा या उनको घर खर्चा नहीं दिया? तकरीबन 6-7 साल से। क्या कारण, आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? ये उनको एक अन्य महिला राखी देवी नाम की महिला है, जिसे उनको नजर। दरभंगा नगर निगम के हसन चौक पार्किंग के एक हिस्से की जमाबंदी को अपने नाम करा उसे खाली कर सौंपने वालों को मुंह की खानी पड़ी है। इस संबंध में उक्त जमाबंदी को रद्द करा, जमाबंदी में सन्निहित जमीन के रकवा को दरभंगा नगर निगम की जमीन के साथ जोड़ने का आदेश अंचलाधिकारी सदर दरभंगा को अपर समाहर्ता के न्यायालय ने अपने आदेश में दिया। इस संबंध में गुरुवार को आदेश की प्रति अंचल कार्यालय को प्राप्त करा दी गई है। इसकी जानकारी मिलते ही निगम के पार्षदों में खुशी छा गई। वहीं सभी ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और खुशी इजहार किया। काफी खुशी का समय है और हमारे पार्षद जो है उसके लिए भी बहुत खुशी की बात है और निगम परिवार के लिए भी, क्योंकि हम लोगों ने आज बहुत बड़ा एक केस था जो दरभंगा नगर निगम के कुछ रकबा को जो है किसी लोगों के द्वारा उसको जो है दाखिल खारिज करा लिया गया था, उसका जो है आज फैसला आया है। कल एक दो दिन पहले फैसला आया है और इसी क्रम में जो है हमारे माननीय पार्षद नवीन सिन्हा जी हैं जो बोर्ड में आवाज़ उठाए थे और एवं वार्ड 11 के पार्षद सोनी पूर्वे जी हैं, उनके द्वारा भी जिलाधिकारी से अवगत करवाया गया था। उसी के फलस्वरूप जो है यह परिणाम आया है और साथ में पार्षद संघ के सभी लोग लगे हुए थे, उसी के वजह से हम लोग। आ
आर्ट एंड गैलरी ऑडिटोरियम दरभंगा लहरेसराय में कृषि वर्ष 2024 एवं 25 में खरीफ मौसम हेतु जिला सांख्यिकी कार्यालय दरभंगा द्वारा कृषि सांख्यिकी से संबंधित एक दिवसीय प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण जिला सांख्यिकी पदाधिकारी दरभंगा की अध्यक्षता में आयोजन किया गया, जिसमें दरभंगा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, दरभंगा प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी, किसान सलाहकार, किसान समन्वयक, राजस्व कर्मचारी सहित अन्य कई संबंधित लोगों ने कार्यशाला कार्यक्रम में भाग लिया। यहाँ तो बटना से पूछ रहा है जो भाई, काहे आप नहीं रिपोर्ट दे रहे हैं? अब सवाल है, खेतवा में रहे तब न आदमी रिपोर्ट करेगा भाई, तब बधाई मुंह तो होबे नहीं किया। इसी तरह कुछ और भी फसल है, हम एगो जान रहे थे इलाकी ओकर चर्चा कर दिए, लेकिन भाई इस सब चीज पर थोड़ा नजर रखिए। अरे आप क्या है, राजस्व कर्मचारी लोग हैं, गांव में जैवे करते हैं, आपका पोस्टिंग रहता है हल्का में, पंचायत में है, उधर जाते हैं तो एक अनुमान तो मिल जाता है। जैसे हम लोग भी चलते हैं तो हमको अनुमान तो मिलता रहता है ना। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कैदराबाद में कई दुकानों से ब्लू हेवन के नकली नेल पॉलिश को बरामद किया गया। वहीं कैदराबाद के भगत जी इंटरप्राइजेज की दुकान से ब्लू हेवन के नकली नेल पॉलिश जो 2352 पीस है बरामद किया गया। इसके अलावा कैदराबाद के ही अजय कुमार के दुकान से जो सुनील स्टोर के नाम से फेमस है, उनकी दुकान से भी भारी मात्रा में नकली नेल पॉलिश बरामद किया गया। हम सैमित लीगल कंपनी की तरफ से है नोएडा से, मेरा नाम मोहम्मद तौकीर है और मैं उस कंपनी का मैनेजर हूँ। हमें सूचना मिली थी कि हमारा क्लाइंट है ब्लू हेवन, उसके यहाँ पर डुप्लीकेट कॉस्मेटिक आइटम्स बेचे जा रहे थे जैसे नील पेंट वगैरह। तो आज पुलिस को लेकर उसमें छापेमारी करी गई, तो उसमें से 3 दुकानों पर छापेमारी हुई जहाँ से माल जब्त किया है हमने डुप्लीकेट। तो उसमें एक भगत एंटरप्राइजेस है और दूसरा सुनील स्टोर है और एक मनोज कुमार के नाम से स्टोर है। इन तीनों दुकानों से हमने माल जब्त किया है और अच्छी भारी मात्रा में माल जब्त किया है जो कि नकली है। वो आपने जांच की थी नकली? हाँ, हमने उसकी नकली की जांच करी है और असल जो हम पे असल सैंपल है, असल जो माल है उससे हमने मिलान किया है तो नकली पाया गया। तो ये लोग क्या ग्राहकों को नकली नेल पॉलिश बेचते हैं? हाँ, ये क्या था, बहुत कम रेट पे खरीदते थे और पूरे रेट में ग्राहकों को बेच रहे थे जिसकी जानकारी ग्राहकों की नहीं। केवटी विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने मुख्यमंत्री पथ अनुरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित लाधा PWD पथ से बिरने को जोड़ने वाली करीब 1 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि सड़क निर्माण में किसी भी तरह की अनियमितता हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। NDA और नीतीश के नेतृत्व वाली सरकार में बिहार का सर्वांगीण विकास हो रहा है। आधारभूत संरचनाओं के तहत सड़क, पुल, पुलिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पीने का पानी, शौचालय की सुविधा लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से NDA सरकार द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं कर्मियों की स्वास्थ्य जांच के लिए शिविर का आयोजन किया गया। केवटी प्रखंड सभागार में विभागीय निर्देश के आलोक में BDO रुखसार की अध्यक्षता में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण में ठोस, तरल एवं अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत केवटी प्रखंड के चयनित पंचायत में स्वच्छता पर्यवेक्षक तथा स्वच्छता कर्मी के स्वास्थ्य जाँच एवं सरकारी लाभ से आच्छादित को लेकर आयोजित शिविर में डॉक्टर राजेश कुमार एवं डॉक्टर हेफाजतुल्ला एवं उनके टीम के द्वारा लगभग 60 स्वच्छ कर्मी का स्वास्थ्य जांच किया गया तथा लगभग 20 स्वच्छता कर्मियों का आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त किया गया। शुक्रवार को अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन का जिला स्तरीय कार्यशाला रेणु नागार्जुन सभागार पंडासराय में जिला अध्यक्ष साधना शर्मा की अध्यक्षता व जिला सचिव सनिश्री देवी के संचालन में सम्पन्न हुई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए एपवा महासचिव मीना तिवारी ने कहा कि आज भाजपा जदयू के राज में पूरे देश में महिलाएं असुरक्षित हो गई हैं। देश के अंदर बलात्कार व हत्या की घटना लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। उल्टे केंद्र सरकार बलात्कारियों पर कार्रवाई के बदले उस आरोप में बंद मुजलिमों को पेरोल पर रिहाई कर रहा है। आज पूरा देश मोदी सरकार की कार्यशैली से शर्मसार है।
तो वहीं इफवा नेता सनिचिरी देवी व साधना शर्मा ने बताया कि 15 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक प्रखंडों में महिला जनसंवाद का आयोजन किया जाएगा। वहीं जीविका व स्वयं सहायता समूहों के सवालों को लेकर 5 अक्टूबर को जिलाधिकारी के समक्ष महिलाओं का आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा।